आदर दोस्तों मैं हूं शहजाद आलम ललम्बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश के चुनाव को प्रियंका गांधी की जीत के तौर पर क्यों देखा जा रहा है क्या वाकई में प्रियंका गांधी का असर दिखने लगा है चूंकि हिमाचल प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं वो कांग्रेस की उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट आए हैं हिमाचल प्रदेश में कुल अड़सठ विधानसभा सीटें हैं 35 सीटों पर बहुमत होता है लेकिन कांग्रेस को चालीस सीटें मिली हैं यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत मिला है बीजेपी को मात्र 25 सीटें मिली और अन्य को तीन सीटें मिली हैं हिमाचल प्रदेश की जीत को देखा जाए तो जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे राजीव शुक्ला उनका कहना है कि ये बेसिकली प्रियंका गांधी की मेहनत का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती है हालांकि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद किया है yeah और ख़ास तौर पर इस जीत को प्रियंका गांधी के लिए खास इसलिए भी माना जा रहा है चूँकि हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव अभियान प्रभारी थी वो प्रियंका गांधी थीं और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान पूरे तरीके से प्रियंका गांधी एक्टिव रही थी और लगातार एक के बाद एक रैलियां वो करती रही थी ख़ास तौर से इस पूरे चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो लोकल मुद्दे थे उनको टारगेट किया हर विधानसभा के हिसाब से जो मुद्दे थे उन मुद्दों को प्रियंका गांधी ने टारगेट किया था जिसके चलते कांग्रेस में रुचि बढ़ी लोगों की और वहां के के लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन किया वैसे कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस का गुजरात में बुरा हाल हुआ है बाकी जगहों पर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बुरा हाल हुआ था लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की यह जीत जो है तौर से बहुमत का हासिल करना कहीं ना कहीं एक किरण है उनके लिए उम्मीद की एक किरण और ये किरण प्रियंका गांधी के चुनाव प्रभारी होते हुए है हालांकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी जहां पर भी चुनाव प्रभारी बनी है ये उनकी पहली जीत है इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में काम कर चुकी हैं लेकिन वहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था बल्कि खराब ही रहा था लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के कद को बड़ा करता है और राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी को इसको लेकर के मुबारकबाद दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाए जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया